ये है भारत का प्रसिद्ध नगर इलाहाबाद। यही पहले पहल उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसी वजह से ये नगर उत्तर प्रदेश की शिक्षा और सभ्यता का केंद्र माना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित गोविंद वल्लभ पंत और अनेक प्रतिभाशाली व्यक्ति इसी विश्वविद्यालय की देन हैं, जिन पर आज देश को गर्व है। ये है हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान आनंद भवन। भारतीय राजनीति का ये प्रमुख केंद्र रहा है। इस नगर को तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं। यही गंगा और जमुना का संगम है। इसी संगम में गुप्त सरस्वती नदी भी आकर मिलती है, इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी बहुत पुराने जमाने से भारत का एक पवित्र स्थान माना जाता है। सृष्टि की रचना की शक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ और तपस्या की। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विष्णु ने भी यही तपस्या की। यही स्नान करके भगवान शंकर ने त्रिपुर राक्षस के वध करने की शक्ति प्राप्त की और यहाँ महात्मा बुद्ध ने संसार को सत्य का संदेश भी सुनाया। समुद्र मंथन के बाद जयंत के अमृत का घड़ा लेकर जाते समय एक अमृत कण छलक कर यहाँ गिरा और तभी से इस स्थान पर कुंभ मेले का महान पर्व आरंभ हुआ। इस वर्ष भारत का सबसे बड़ा कुंभ मेला इसी स्थान पर हुआ। इस मेले में लगभग 1 करोड़ व्यक्ति त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आए। सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र भारत का यह पहला कुंभ मेला था। त्रिवेणी में स्नान करके तन मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए ही यात्रियां आते हैं। योगी और सन्यासी, गरीब और अमीर, सभी प्रकार के लोग यहां इकट्ठे होते हैं। कुंभ मेले के मौके पर देश के नर नारी एक दूसरे के धार्मिक विचारों से परिचित होते हैं। धार्मिक संस्थाएं योगी और सन्यासी यौगिक क्रियाओं को दिखाते हैं। धार्मिक विचारों पर तर्क वितर्क होते हैं और देश के गौरवपूर्ण प्राचीन रहस्यों का उद्घाटन होता है। यहाँ के सुंदर दृश्य प्राचीन भारत की महत्ता की याद दिलाते हैं। मेले के धार्मिक रूप के अलावा उसके दूसरे दृश्यों में सुंदरता और स्वतंत्रता का रंग चमक रहा था। रंग बिरंगी चूड़ियां, देवी देवताओं की मनमोहिनी मूर्तियां, हरि जपन की मालाएं, सिंदूर और चंदन के ढेर, औरतों के साथ श्रृंगार, बच्चों के खेल खिलौने, लाल बुझक्कर मिट्ठू मियां, तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए और स्वतंत्र भारत के इस महान पर्व को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से कोई कसर उठा न रखी। मेला शुरू होने के कई महीने पहले से ही सरकार की ओर से तैयारियां शुरू हो गई थी। उबर खाबर जमीन को समतल बनाने के लिए बुलडोजर जैसी बड़ी बड़ी मशीनों से जमीन की सतह ठीक की गई। गंगा जी ने अपना किनारा 15 से 30 फुट गहरा काट दिया था, जिसके कारण यहां स्नान करना असंभव था। बुलडोजरों ने इन किनारों को सपाट बनाया, जिससे तीर्थयात्री यहां सकुशल स्नान कर सके। जिस काम को 1000 आदमी 3 महीने में खत्म नहीं कर सकते थे, उसी को 6 बुलडोजरों ने 15 दिन में पूरा कर दिखाया। फौजी इंजीनियरों ने सड़कों पर बिछी रेलवे लाइनों के ऊपर पुल बनाने में बड़ी मदद की। रेलों के आने जाने के समय भीड़ सड़कों पर कभी न रुकी, बल्कि लगातार त्रिवेणी की ओर बढ़ती रही। जगह की कमी के कारण ज्यादा लोगों के रहने का इंतजाम गंगा के पूर्वी तट पर झूसी की ओर किया गया। वहां से शेष मेले तक आने के लिए भारतीय सैनिकों और
और उत्तर प्रदेश सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पीपो के 6 पुल बनाए। कुंभ मेले के इतिहास में ये पहला मौका था जबकि यहाँ बिजली लगी। 1000 बिजली के खंभे लगाए गए जिनके लिए 160 मील से अधिक लंबी तार लाइन इस्तेमाल हुई। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ सफाई का बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया। चारों तरफ मशीनों से लगभग 250 मन डीडीटी का भारी छिड़काव किया जिसके कारण मेले में मच्छरों व मक्खियों का नामो निशान बाकी न रहा। मेले के आरंभ से ही सरकार ने हैजे के टीके लगवाने का प्रबंध किया। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे मेला क्षेत्र में आने से पहले टीके लगवा लें। कदाचित इसी व्यवस्था के कारण मेले के मौके पर कोई भी रोग नहीं फैला। इतनी भारी भीड़ भाड़ के मौके पर आमतौर से दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। इन दुर्घटनाओं का सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस गाड़ियों से घायल और बीमार यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का पूरा प्रबंध किया। 9 अस्थायी अस्पताल डेरों में खोले गए जिनमें 228 रोगियों को रखने का इंतजाम था। गरीब रोगियों को खाना मुफ्त में दिया गया। राशनिंग विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए यह आटा, शक्कर, मिट्टी का तेल और अन्य जरूरी सामान का भारी स्टॉक जमा किया जिससे इन चीजों की कीमतें न बढ़ पाई। इसी प्रबंध के कारण हर व्यक्ति को सस्ते मूल्य पर अपनी इच्छा का खाना मिल सका। सेवा समिति, अग्रवाल समिति और भारत स्काउट्स एंड गाइड जैसी स्वयंसेवक संस्थाओं ने यात्रियों के मार्ग निर्देशन, उनकी सुरक्षा और घायलों का प्राथमिक उपचार किया। पुलिस यात्रियों के संचालन का कार्य करती रही। आने जाने के लिए अलग रास्ते रखे गए। भीड़ को काबू में रखने के लिए चलते फिरते वायरलेस सेटों का इस्तेमाल किया गया। भूले भटके लोगों को खोज निकालने और उनको उनके घर वालों तक पहुंचाने का खास इंतजाम किया गया। मेले में लाउड स्पीकरों का एक जाल बिछा दिया गया जिससे भटके हुए लोगों का नाम पुकार पुकार कर उनको एक स्थान पर इकट्ठा किया गया। मेले के आरंभ होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने मेले के बंदोबस्त का मुआयना किया। इस तीर्थ स्थान पर जमा हुए लाखों मेहमानों के सुख सुविधा की उन्हें बड़ी चिंता थी। उन्होंने नाव पर सवार होकर घाटों का निरीक्षण किया। पीपे के पुलों को भी देखा। ये अखाड़ा जो ऐसे ही एक पुल को पार कर रहा है, पुल की मजबूती का सबूत है। हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मेले के इंतजाम का निरीक्षण किया। वे सड़कों पर घूमे और पुलों पर भी गए। अन्य स्थानों को भी देखा भाला। भारत के अन्य लाखों व्यक्तियों की भांति हमारे राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। इस दिन अपार जनसमूह यहां इकट्ठा था। हर घाट पर लोगों की भीड़ स्नान कर रही थी। उसमें नया जोश था और नई उम्मीदें थीं। ये दृश्य जाहिर कर रहा था कि इस भीड़ की महान रचनात्मक शक्ति के कारण देश का भविष्य उज्ज्वल है। उसकी इसी शक्ति के कारण हमारी उन्नति के बड़े से बड़े कार्य अवश्य सफल होंगे। जिस स्थान पर मनुष्य और देवताओं ने यज्ञ किए और भविष्य का संकल्प किया, उसी स्थान पर इन नर नारियों ने आज भारत को फिर से बलवान और सुखी बनाने की प्रतिज्ञा की और भारत की स्वतंत्रता को अमर रखने के लिए अपने शरीर में एक नए प्राण को जन्म दिया।